नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का शपथ ग्रहण समारोह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री रामविचार नेताम समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई, जिनमें सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिषपाल सिंह सौरी, कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़म, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रधान, महिला प्रभाग अध्यक्ष वंदना उइके, प्रदेश महासचिव राजीव ध्रुव, युवा प्रभाग प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह ठाकुर समेत सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। प्रवेश करने जा रहा है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया और ये ऐसा अवसर छत्तीसगढ़ के लिए, जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये चमत्कार छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम करेगा तेजी के साथ। छत्तीसगढ़ का विकास हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों के लिए एजुकेशन का स्तर में बढ़ोतरी हो, मुझे ख्याल है राजाराम तोड़म जी बैठे हैं, बस्तर के बहुत सारे नेता यहां बैठे हुए हैं, रामविचार जी उन दिनों को याद कर रहे थे जब बस्तर में पूरी तरीके से नक्सलियों के चपेट में आ चुका था। पहली बार वहां के सारे स्कूल तोड़ दिए गए थे बीजापुर सुकमा के, तो पहला प्रयोग हमने किया था पोटा केबिन के द्वारा स्कूल में पढ़ाई देने का काम। ये हिंदुस्तान में एक प्रयोग था पोटा केबिन के द्वारा बच्चों को पढ़ाई, और आज एक एग्जाम्पल के रूप में उस बात को देखा जाता है। सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, ये हमारे अनुसूचित जनजाति लोगों को विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, सरकार की योजना का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन और भी कोई तरह की संसाधन की कमी नहीं हो, इसलिए दो दो विकास प्राधिकरण का गठन उन्होंने किया। आज भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो इस तरह से अभी बहुत अच्छा वातावरण है हमारे जनजातीय समाज को हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का।